बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। हम लोग एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इसे लाइन वाइज फर्दर एनाटॉमी को साथ लेके चलेंगे। फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है कटिंग अप या फिर डाइसेक्शन। एनाटॉमी की डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होता है कि ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी लिविंग बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को या फिर उसके ऑर्गन्स को, उसके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं। ह्यूमन हो या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर उसके ऑर्गन्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं तो वो एनाटॉमी में आ जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी अगर हम देखते हैं स्पेसिफिकली तो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें हमें ये समझ आ रही है कि हमारे जो ह्यूमन एनाटॉमी में हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स, टिश्यूज़, वेजल्स आ जाती हैं, आर्टरीज, नर्व्स, कैपिलरीज और हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे ह्यूमन बॉडी की सब की स्टडी जो हम लोग करते हैं ना वो ह्यूमन एनाटॉमी में आ जाता है। और इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दीज पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। इसके साथ साथ हम लोग हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो इंटर रिलेशन होता है ना वो भी हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। फर्दर हम लोग एनाटॉमी की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रोस एनाटॉमी, जिसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। अब हमें नेम से पता लग रहा है मैक्रो का मतलब हमें पता है कि बड़ा होता है। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम लोग ऐसे चीज़ों की स्टडी करते हैं, ऐसे पार्ट्स की, ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो हम लोग अपनी नेक्ड आई से या फिर जिसे हम कहते हैं आम आँख से देख सकते हैं। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसे हम आम आँख से देख रहे होते हैं, इनकी जो स्टडी होती है ना वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आती है जो कि बिल्कुल उसे ऑपोजिट है। हमें नेम से पता लग रहा है माइक्रो मीन स्मॉल। इसमें हम लोग ऐसे जो है ना कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हम लोग इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है, एक सिंगल सेल, और फिर बंडल ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं, बहुत सारे सेल्स मिला के। ठीक है, हमें पता है कि एक सिंगल सेल है, फिर अगर वो सेल ज़्यादा पूरे एक बंडल की फॉर्म में काम कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है, तो हम उसे टिश्यू कह देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास जो डिवेलपमेंटल एनाटॉमी होती है ना, एक फीटस या फिर एक एम्ब्रियो की जो डिवेलपमेंट हो रही होती है बिफोर बर्थ, पूरी जो डिवेलपमेंट का प्रोसीजर होता है ना उसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारी जो बॉडी है ना उसकी एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन या फिर हम उसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सल पोजीशन, एक स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। अब वो पोजीशन किस तरह से होती है, जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, हमारी अगर हम लोग आई से स्टार्ट करते हैं ना, एक पर्सन है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी आईज़ जो है ना बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसकी आईज़ जो हैं वो बिल्कुल फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब आईज़ सामने को देख रही हैं उसकी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके जो लिम्स हैं, लिम्स पता है हम अपने दोनों आर्म्स को जो है ना वो अपर लिम्स कहते हैं। ठीक है, और दोनों लेग्स को लोअर लिम्स कहते हैं, और जो मिड वाला पार्ट होता है जिसमें हमारा थॉरेक्स आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है, ये हमारी ट्रंक होती है। ठीक है, तो हमारे जो अपर लिम्स है ना वो इस तरह से हम लोगों ने अपनी बॉडी के साथ हैंग करने हैं, जैसे हम लोगों ने अपने बाजू बिल्कुल सीधे नीचे को लटकाए होते हैं ना, हम लोग खड़े हुए हमने बॉडी के साथ बिल्कुल नीचे बाजू लटकाए हुए हैं उस तरह से, और हमारे जो हैंड्स हैं ना उनकी पाम्स वो फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, इस तरह से हमने अपने बाजुओं को हैंग कर लेना अपनी बॉडी के साथ, आप पिक्चर्स में देख भी सकते हैं। और हमारे जो फीट होंगे वो
बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और टोज, पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं ना, जो हमारी टोज होगी वो फॉरवर्ड पॉइंट कर रही होंगी। हमने अपने पाँवों को ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है। ये पूरी जो पोजीशन होती है इसे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सिस और प्लेन्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्सिस होते हैं, डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सिस होता क्या है। बच्चों आप लोगों ने ये फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा बहुत बार। एक्सिस एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा बाजू है ना, हम अपने बाजू को आगे पीछे मूव करते हैं तो हमारा बाजू जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो फ़िक्स पॉइंट पे जुड़ा हुआ है ना, वो हमारा एक्सिस है। अब उस एक्सिस के अराउंड हमारा बाजू मूव कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा बाजू उतर जाता है और वो कहीं भी मूव करने लग जाता है, इस तरह नहीं होता। वो एक फ़िक्स पॉइंट पर है और हम उसके अराउंड बस उसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिस आ जाता है। और प्लेन क्या है? ऐसी सरफेस है जो कि लाई करती है एट राइट एंगल पे, ठीक है। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 का एंगल होता है, ठीक है। इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस, हमारे जो राइट एंगल पे मूवमेंट हो रही होती है ना, उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। हम लोग अपनी बॉडी को 3 डिफरेंट प्लेन्स में देखते हैं। जब भी हम लोगों ने एक्सिस या प्लेन्स की बात करनी है ना, तो हमने बॉडी को बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के फिर उसको फर्दर उसके प्लेन्स या एक्सिस देखने हैं। बॉडी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम उनके प्लेन्स देख रहे हैं। हमारे पास कौन कौन से प्लेन्स आ जाते हैं? मीडियन प्लेन, जिसको हम लोग सेजिटल प्लेन भी कहते हैं। सेकंड कोरोनल प्लेन आ जाता है, कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। और थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग मीडियन प्लेन की अगर बात करते हैं ना, मीडियन प्लेन एक वर्टिकल प्लेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी, एक इंसान सामने खड़ा हुआ है आपके, ठीक है। आपने कोई चीज़ ली है, उसको सर के ऊपर रखी है, उसके वर्टिकली रखी है, ठीक है। और आपने उसको दरमियान से बिल्कुल जो मिड लाइन आ रही होती है ना बॉडी की, जहाँ हम ये बीच में स्टर्नम से और हमारा जो ये आ जाता है बेली बटन, यहाँ से पास करी है ये पूरी लाइन, यहाँ से हमने सर से रख के मिड लाइन तक हमने पूरा उसको कट कर दिया। क्या हुआ है? हमारी जो बॉडी है ना, कट कर दिया इस तरह से, एक पार्ट इधर आ गया और एक उधर आ गया, मतलब कि हमारी बॉडी जो है राइट और लेफ़्ट में कट हो गई है, ठीक है। इससे इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से भी देती हूँ। हम लोग अगर ब्रेड देखते हैं ना, ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हुए हैं। हमने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, उसे मिड से कट कर दिया वर्टिकली। हमने कट जो करना है वो वर्टिकली कट करना है। क्या हुआ है? हमारे पास ब्रेड के दो टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। उसके जो स्लाइस है ना, उसके दो टुकड़े हो गए हैं, एक इस साइड पे आ गया और इस साइड पे, मतलब एक राइट साइड पे आ गया, एक लेफ़्ट साइड पे आ गया। ये हमारे पास आ जाता है मीडियन प्लेन, ठीक है। बिल्कुल इक्वली मिड से हम लोगों ने किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। जैसे हम लोग ये एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक सिंपल ब्लैंक पेज है, आपने किसी चीज़ में डिफरेंशिएट करना और डिफरेंस लिखना हो आपने, तो आपको क्या सिखाया जाता है कि आपने मिड में लाइन लगा के लिखना है। क्या होता है? पेज हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं, हाफ पेज पे हम एक चीज़ का डिफरेंस लिख रहे होते हैं, हाफ पेज पे दूसरी, राइट और लेफ्ट हाफ में वो पेज डिवाइड हो जाता है, वर्टिकली हम कॉलम बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडियन प्लेन आता है बिल्कुल मिड में रख के, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लेन्स जो हैं इसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं और इन्हें गलत कर देते हैं। ये अभी जो हमने पढ़ा था ये मीडियन प्लेन था। नेक्स्ट हम लोग सेजिटल प्लेन की अगर बात करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने मीडियन प्लेन पढ़ा है, उसी तरह से हमने वर्टिकली बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देना है। लेकिन क्या होता है, मीडियन प्लेन में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बिल्कुल मिड से डिवाइड करना है, कि इक्वली दोनों साइड्स पर डिवाइड हो, ठीक है। लेकिन सेजिटल प्लेन में हमने डिवाइड उस तरह से करना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो रही है, कि जितना राइट हिस्सा है उतना ही लेफ्ट हो, तब थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड हमने उस तरह से करना है कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ मिड में रख के हमने उसका ना वो वर्टिकली उसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास कोरोनल प्लेन आता है, कोरोनल प्लेन जिसे हम लोग फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। अब दोबारा से मैं आपको ब्रेड की एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब सैंडविच बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम ब्रेड के दो स्लाइसेस लेते हैं और हम उन्हें जो है ना वो एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। बीच में हम लोग कुछ भी लगा के उन्हें जोड़े होते हैं। आप एज्यूम करें
कि आपने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, वो थोड़ा जो है ना उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस ब्रेड के स्लाइस को मिड में से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं बच्चों, हॉरिजॉन्टली काट के उस एक स्लाइस को दो स्लाइसेस बनाने, क्योंकि वो स्लाइस जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा है। तो आपने क्या करना है, आपने उस स्लाइस को दो स्लाइसेस में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, एक स्लाइस है ना, आप उसको हॉरिजॉन्टली स्लाइस को कट कर देंगे पूरा, तो क्या होगा, हम आपके पास वो एक ब्रेड का पीस जो है वो दो ब्रेड के पीसेस में बदल जाएगा, ठीक है, दो स्लाइसेस में। मतलब स्लाइसेस जो दो हो गए हैं ना, पूरा स्लाइस ही इधर भी आया, पूरा स्लाइस ही उधर भी आया, लेकिन क्या हुआ, अब वो दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग अपने बॉडी में फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं ना, तो हमने अपनी बॉडी के एक सामने इंसान है, आप एज्यूम करें कि आपने उसके सर पे कोई चीज़ जिससे आप लोग उसकी बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, आपने हॉरिजॉन्टली रखी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपने उसको पूरा कट कर दिया। अब क्या हुआ है, बॉडी कट हो गई है, टू पीसेस हो गए हैं बॉडी के, लेकिन क्या हुआ है, पूरी बॉडी आगे भी आई है और पूरी बॉडी पीछे भी आई है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया है कि पूरी बॉडी आगे भी है और पूरी बॉडी पीछे भी है, जबकि हम लोगों ने मीडियन या सेजिटल प्लेन में तो ये पढ़ा था ना कि आधी साइड इधर आ गई है, आधी साइड उधर आ गई है। इसमें क्या है, पूरी पूरी बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया है, जिसमें पूरी बॉडी का एक हिस्सा उधर चला गया, पूरी बॉडी का एक हिस्सा इधर आ गया। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास जो प्लेन आता है वो ट्रांसवर्स प्लेन आता है। इसमें देखिए अब क्या करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मतलब आधा दरमियान से हमने डिवाइड करना है, आधा हिस्सा ऊपर रह जाएगा और आधा हिस्सा नीचे। जैसे कि अभी आप लोग नेक्स्ट पिक्चर में देख भी पाएंगे, ये जो येलो वाला जिसको डिनोट किया हुआ है ट्रांसवर्स प्लेन से, मतलब बॉडी पूरी बॉडी है उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली जो है ना बीच में से काट दिया है। ये जो हम लोग अब ट्रांसवर्स प्लेन को कट कर रहे होते हैं ना, ट्रांसवर्स प्लेन बना रहे होते हैं, किस तरह से कर रहे होते हैं, हमारा जो फ्रंटल प्लेन है या कोरोनल प्लेन है और सेजिटल प्लेन है ना, इन प्लेन्स के बिल्कुल राइट एंगल पर रख के हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन या फिर उसका जो है ना उसको कट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ एट राइट एंगल्स टू द मिड सेजिटल, सेजिटल एंड कोरोनल प्लेन्स। अब इस पिक्चर में आप लोग बच्चों देख भी पा रहे हैं, ये जो पिंक कलर में प्लेन बनाया हुआ है ना, ये सेजिटल प्लेन है जो बॉडी को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा है। फिर जो ये जिंक स्काई ब्लू से कलर में प्लेन है जिसको कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन कहते हैं, ये बॉडी को अगले और पिछले हिस्से में डिवाइड कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ट्रांसवर्स प्लेन जो मैंने अभी आपको बताया येलो कलर में उन्होंने डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग एक्सिस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया भी था कि एक्सिस हम लोग एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या रोटेट कर रहा होता है ना, उसे एक्सिस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी बाजू की, इस तरह यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है कि हमारा कोई भी जॉइंट है, जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही होती है ना, वो एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट होता है ना और उससे स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मूवमेंट आ रही होती है। हमारी जो बॉडी में एक्सिस है ना, वो भी थ्री एक्सिस है रोटेशन के, ठीक है। अब सेजिटल एक्सिस आ जाता है, फ्रंटल एक्सिस जो प्लेन्स के नेम पड़े थे ना, वही हमारे पास एक्सिस भी आ जाते हैं और साथ में वर्टिकल एक्सिस आ जाता है। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं सेजिटल एक्सिस को। सेजिटल एक्सिस में क्या होता है, हम लोग अपने आर्म की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ भी उन्होंने आर्म को ही शो करवाया हुआ है, आप लोग पिक्चर भी देखें साथ में आपको बताती हूँ। सेजिटल एक्सिस में ये होता है कि हॉरिजॉन्टली हमारा जो बाजू है हॉरिजॉन्टली मूव करेगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम मूव करेंगे पोस्टीरियर टू एंटीरियर, कैसे, बाजू हम लोग अपनी बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं और अवे फ्रॉम दी बॉडी लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये इन मूवमेंट्स का नाम, हम लोग अपनी बाजू को अवे फ्रॉम दी बॉडी जब लेके जा रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम दी बॉडी, तो इसे हम कहते हैं एबडक्शन या फिर एबडक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इसकी एग्जांपल में। और हम लोग अपनी बाजू को हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स बॉडी, अपनी बॉडी की तरफ हॉरिजॉन्टली लेके आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एडडक्शन। एड से हमें पता लग रहा है हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने बाजू को अपनी बॉडी में ऐड कर रहे हैं, अपने बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये एडडक्शन कहलाता है, ठीक है।
और एबडक्शन या फिर एबडक्शन जिसे कहते हैं, वो अवे फ्रॉम दी बॉडी हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रंटल एक्सिस की, इसमें क्या होता है, फ्रंटल एक्सिस पासिस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम लेफ्ट टू राइट अपने बाजू को लेके जा रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन सी मूवमेंट आती है बाजू की, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन जो है ना, आप सीधे खड़े हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, आप अपने बाजू को आगे को लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बॉडी से आगे को लेके जा रहे हैं बाजू को, ये आपके पास फ्लेक्शन की मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, उन्होंने एरो लगा के शो किया हुआ है कि आपका बाजू ऐसे आगे को जाएगा, तो ये आपके पास आ जाती है फ्लेक्शन, ठीक है। फिर आप अपना बाजू नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल, ठीक है। फिर आपका बाजू यहाँ से जा रहा है पीछे को, आपकी बॉडी से पीछे को जा रहा है अपना, आप अपना बाजू पीछे को लेके जा रहे हैं, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। ये दो मूवमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, ये हमारे फ्रंटल एक्सिस में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पासिस वर्टिकली फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर, ठीक है। इसमें इन्फीरियर टू सुपीरियर हम लोगों ने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करना है, तो इसमें आप खुद सोचें कि हम लोग कौन सी मूवमेंट आएगी, इसमें आ जाएगी रोटेशन, ठीक है। हम अपने बाजू को रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपना बाजू लें, उसे बिल्कुल आप गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, अपने बाजू को बिल्कुल गोल, जिसे हम लोग सर्कमडक्शन कहते हैं या रोटेट, आप किसी एक तरफ घुमा लें या फिर आप पूरा राउंड सर्कल काट लें, जैसे कि आप क्लोक है ना, आप अपना बाजू क्लोक वाइज पूरा घुमा लें, क्लोक की तरह से ना पूरा आपने राउंड 360 का सर्कल बना रहे हैं आप, वो बना लिया, या फिर आप लोग एंटी क्लोक वाइज, ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कमडक्शन, जिसमें हम अपना बाजू पूरा गोल घुमा रहे होते हैं। या फिर एक होती है इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हम अपना बाजू अंदर को रोटेट कर रहे हैं, अंदर को घुमा रहे हैं, तो ये इंटरनल रोटेशन हो जाएगी, बाहर को घुमा रहे हैं तो ये एक्सटर्नल रोटेशन। ये जो सारी रोटेशंस आ जाती है ना, ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ की, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग एनाटॉमी में ना कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग एनाटॉमी की लैंग्वेज कहते हैं। ये हम प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एनाटॉमिस्ट जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड यही वर्ड्स जो है ना यूज़ करते हैं, या यही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हार्ट, हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में दिल को इंग्लिश में हार्ट कह रहे होते हैं, एनाटॉमी में हार्ट को कार्डियक या कार्डियम कहा जाता है, ठीक है, कार्डियम, कार्डियक, ये वर्ड यूज़ किया जाता है हार्ट के लिए। और मसल, मसल के लिए यूज़ किया जाता है मायो। अब अगर हम बात करते हैं ना हार्ट मसल्स की, तो इसे हम एनाटॉमी में बोलेंगे मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन हार्ट, मतलब कि हार्ट के मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात की हुई है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, हम लोग देखते हैं कुछ दो तरह की होती है, एक टर्म्स ऑफ पोजीशन होती है और एक टर्म्स ऑफ मूवमेंट होती है। टर्म्स ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करते हैं ना, टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन और रिलेशनशिप स्ट्रक्चर, मतलब किसी स्ट्रक्चर की हम लोग पोजीशन देख रहे हैं और उसका रिलेशन देख रहे हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ, तो ये हमारे पास टर्म्स ऑफ पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टर्म्स ऑफ पोजीशन में कुछ, ये ब्लू कलर का जो टेबल बना हुआ है इसमें कुछ टर्म्स बताई हुई हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, उनका ब्रीफ सा व्यू ले लेते हैं। इंटीरियर हमारे पास टर्म है, इंटीरियर जो हमारी बॉडी का अगला पार्ट होता है ना सारा, जिसमें हमारा फेस, हमारा ये चेस्ट, थॉरेक्स, एब्डोमेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी का एंटीरियर पार्ट होता है। पोस्टीरियर पीछे वाले हिस्से को कहते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर, या इसे हम लोग डोर्सल भी कहते हैं, ठीक है। हमारी बैक आ जाती है इसमें, मतलब पूरी पिछली बॉडी, हमारी बॉडी का पिछला हिस्सा जो सारा है ना वो पोस्टीरियर आ जाता है, ठीक है, उसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। ये एनाटॉमी में हम लोग इस तरह नहीं कहेंगे हमारे मतलब के फ्रंट बैक, हम लोग इसे इंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह से बोलेंगे एनाटॉमी में। मीडियल, मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी, मतलब हमारी बॉडी की तरफ को, मिड लाइन, हमारी बॉडी की मिड लाइन, आपको पता है ना हेड से अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे नोज टिप से, फिर हमारा ये चिन से होते हुए, चिन के मिड से होते हुए नीचे स्टर्नम से पास कर रही है, बेली बटन आ जाता है, इस तरह से हमारी बॉडी की एक मिड लाइन बनी हुई है, इसकी तरफ को, टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी हमारा मीडियल आ जाता है। लेटरल अवे फ्रॉम दी बॉडी, हमारी बॉडी से दूर को कोई चीज़ हो तो उसे हम लोग लेटरल वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। सुपीरियर हेड की तरफ, हमारे
टूवर्ड्स द टॉप ऑफ हेड, हेड की तरफ को अगर जाते हैं ना तो हम उसे सुपीरियर कहते हैं। इन्फीरियर आ जाता है हमारा टूवर्ड्स द सोल ऑफ फीट, हमारे पाँवों की तरफ अगर कोई चीज़ जाता है ना तो उसे हम कहेंगे इन्फीरियरली है, ठीक है। और प्लांटर, प्लांटर वर्ड जो है ना ये इन्होंने स्पेशली यूज़ किया हुआ है। हमारा जो फुट का सोल होता है ना, मतलब सोल पता है ना निचला वाला हिस्सा जो होता है पाँव का, उससे हम सोल कहते हैं, उसके लिए प्लांटर वर्ड यूज़ किया हुआ है। आगे टर्म्स आ रही हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी सरफेस है ना उसके करीब से करीब हो, ठीक है। सुपरफिशियल, डीप, इसके सुपरफिशियल के ऑपोजिट में आ जाता है डीप, जो कि हमारी बॉडी सरफेस से बहुत ज़्यादा अवे हो, मतलब बहुत ज़्यादा डीप चले जाए, अगर हम लोग अपनी बॉडी के डीप चले जाएँ। नेक्स्ट आता है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं। इंटरनल में आ जाते हैं नियरर टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर वाले हिस्से के करीब, ठीक है। इंटरनली हम ये तो हम आम लैंग्वेज में भी यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, और हमारा एक्सटर्नल में आ जाता है हमारी बॉडी का इंटीरियर कौन सा होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाले हिस्से, जैसे कि हम लोग अपनी बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ चले जाएँ, वो हमारी बॉडी के बहुत अंदर पड़े हुए हैं ना ऑर्गन्स, तो वो हमारी बॉडी का इंटरनल है सारा, ठीक है। तो अवे फ्रॉम इंटीरियर जो है ना वो हमारे पास एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो टर्म्स आ जाती हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये दो अपोजिट टर्म्स हैं। प्रॉक्सिमल यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टूवर्ड द अटैच्ड एंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा बाजू है, हमारे बाजू का अटैच्ड एंड कौन सा है, ये जो हमारा कंधा हमारी ट्रंक के साथ अटैच हुआ हुआ है, जिसे हम लोग शोल्डर कह रहे हैं, यहाँ पे हमारा जॉइंट है, ठीक है, ये हमारे बाजू का अटैच्ड एंड है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ इस अटैच्ड एंड के करीब करीब है ना, बिल्कुल शोल्डर के करीब है, तो हम कहेंगे ये हमारी बॉडी के हमारे शोल्डर के बिल्कुल बॉडी के प्रोक्सिमल है। अब अगर कोई चीज़ हाथ की तरफ है ना, तो हम बाजू उस कंधे से दूर आ गए हैं, अटैच्ड एंड से दूर है, हमारा हाथ जो है वो हमारे कंधे से दूर है ना, हमारे बाजू के अटैच्ड एंड से दूर है, तो हम कहेंगे कि ये डिस्टल पार्ट है, हैंड हमारा डिस्टल पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी से दूर है। कंधा क्या है वो हमारी बॉडी के करीब है, उसे हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है पाल्मर, स्पेशल टर्म रेफरिंग टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, हैंड की जो इंटीरियर सरफेस है इसे हम लोग पाल्मर कहते हैं। हमें पता है कि हैंड में यहाँ हमारे पाम होते हैं, ये तो हम लोग आम लैंग्वेज में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, पाम का सबको पता होता है, ठीक है।